हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास सेवन की वर्कशीट नंबर 28। आज की वर्कशीट में हम लोग क्लास सेवन के सामाजिक विज्ञान, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन से चर्चा करेंगे और इसमें मुख्य बिंदु होगा राज्य शासन कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि शासन के तीन स्तर होते हैं। पहला केंद्रीय स्तर होता है, जिसकी सरकार दिल्ली में होती है, मतलब केंद्र सरकार की सरकार, और दूसरा राज्य सरकार होती है जो कि राज्यों में होती है, और तीसरा स्थानीय स्वशासन होता है जो कि हमारे पंचायतों में होता है। तो इस तरह से शासन का विकेंद्रीकरण किया गया है और शासन को गांवों तक पहुंचाया गया, दिल्ली से लेकर गांवों तक शासन को पहुंचाया गया है। और ये हमारे भारत का मानचित्र है, जिसमें कि आप देख रहे हैं पूरे देश को विभिन्न राज्यों के बीच बांटा गया है और इन राज्यों का भी अपना अलग अलग शासन होता है। हमारा देश भारत राज्यों का एक संघ है। इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुनः जिलों और अन्य क्षेत्रों में बांटे गए हैं। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। विधानसभा के सदस्य को विधायक कहा जाता है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मतलब कि पूरे देश के 18 वर्ष से ऊपर के आयु के जितने भी लोग हैं सबको एक वोट देने का अधिकार दिया गया है और यह अधिकार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। तो इस अधिकार के द्वारा ही हमारे देश की जनता, उस निर्वाचन क्षेत्र की जनता अपने प्रतिनिधि को विधायक के रूप में चुनती है, जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक MLA बन जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप है। आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं। जैसे कोई भाजपा के नाम से खड़ा होता है, कोई कांग्रेस के नाम से खड़ा होता है, कोई आम आदमी पार्टी के नाम से खड़ा होता है। इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल का बहुमत में माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सभी को विपक्ष कहा जाता है। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं, जो मुख्यमंत्री बनता है। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का यह दायित्व है कि ये शासन के विभिन्न भागों, विभागों या मंत्रालयों को चलाएंगे। उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं, उदाहरण शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पर्यावरण विभाग आदि। कई बार किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता, तब सत्ताधारी दल किसी एक पार्टी का न होकर कई पार्टियों से मिलकर बनता है। जब दो या दो से अधिक दल आपस में मिलकर सरकार बनाते हैं तो ऐसी सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। राज्यपाल, राज्य का प्रमुख राज्यपाल कहलाता है। उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों, अधिनियमों के अनुसार अपना काम चलाए। उसके बाद यहाँ एक गतिविधि है। एक राज्य के विधानसभा चुनाव का परिणाम नीचे दिया गया है। परिणाम के आधार पर उत्तर दीजिए। यहाँ राजनीतिक दल हैं, जैसे लोक अधिकार पार्टी और इसके चुने गए सदस्यों की संख्या। लोक अधिकार पार्टी को 43 सीट प्राप्त हुई है, जनता कल्याण दल को 16 सीट प्राप्त हुई है और अन्य दल 3 सीट, और निर्दलीय जो किसी पार्टी के सदस्य नहीं है 6 सीट पर हैं। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और सीटों का योग 68 है। बताइए कि किस दल की और क्यों सरकार किस दल की और क्यों बनाई जाएगी। तो सरकार बनेगी लोक अधिकार पार्टी की, और यह आधे से ज़्यादा सीटों को प्राप्त कर चुकी है, इसलिए लोक अधिकार पार्टी की सरकार बनेगी। दूसरा प्रश्न है, कौन कौन से दल विपक्षी दल कहलाएंगे और क्यों। तो जनता कल्याण दल, अन्य दल और निर्दलीय, ये सभी विपक्षी कहलाएंगे क्योंकि इनकी सरकार नहीं बनी है और ये बहुमत से कम है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, मुख्यमंत्री और मंत्री किस दल के बनेंगे। और तो मुख्यमंत्री और मंत्री लोक अधिकार पार्टी के बनेंगे क्योंकि सरकार भी इसी पार्टी की बनेगी। उसके बाद गतिविधि दो है, कुछ राजनीतिक दलों का नाम पता लगाएं। तो राजनीतिक दल में आप जानते हैं कांग्रेस राजनीतिक दल है,
भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल है, आम आदमी पार्टी राजनीतिक दल है, जनता दल यूनाइटेड राजनीतिक दल है, समाजवादी पार्टी राजनीतिक दल है, राष्ट्रीय जनता दल राजनीतिक दल है, TMC ये सारे भी राजनीतिक दल हैं। तो बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, आप उनमें से किसी का नाम लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ दो प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, आपके क्षेत्र का विधायक कौन है? तो इसका उत्तर आपको देना होगा। आप किस क्षेत्र में रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र के विधायक का नाम आप लिख देंगे। और प्रश्न दो होगा, निर्वाचन क्षेत्र और प्रतिनिधि शब्दों का प्रयोग करते हुए स्पष्ट कीजिए कि विधायक कौन होता है और उसका चुनाव किस प्रकार होता है। तो चलिए इसका उत्तर हम आपको बताते हैं। प्रश्न एक है, आपके क्षेत्र का विधायक कौन है? तो इसका उत्तर छात्र अपना उत्तर लिखें। और प्रश्न दो है, निर्वाचन क्षेत्र और प्रतिनिधि शब्दों का प्रयोग करते हुए स्पष्ट कीजिए कि विधायक कौन होता है और उसका चुनाव किस प्रकार होता है। तो इसका उत्तर है, भारत के हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटे हुए हैं। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा प्रतिनिधि चुनती है, जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक कहलाता है। इसे MLA भी कहते हैं, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट में थोड़ा शोर होगा इसलिए आप उसको अन्यथा लेंगे। तो ये समाप्त होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।